काशी का कायाकल्प करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर काशी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी काशी में वोट प्रतिशत बढ़ाने और जीत के अंतर को शिखर तक पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं और काशी के इर्द गिर्द की लोकसभा सीटों को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत काशी में लगा दी है। काशी की गली गली में केंद्र और प्रदेश सरकारों के मंत्री वोट मांग रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभाएं हो रही हैं। पिछले दो दिनों में दो मुख्यमंत्री रैली कर चुके हैं। डिप्टी सीएम और तीन केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो चुका है। यूपी सरकार के 6 मंत्री बैक टू बैक प्रचार कर चुके हैं। तो अब अगले 3 दिनों के लिए बड़े बड़े योद्धा काशी के मैदान में नजर आने वाले हैं। उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगलमय रहे, सब खुश रहें, सुख शांति रहे, देश आगे विकास करे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे बढ़े। वाराणसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुकी है। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी भी पूरी ताकत काशी में लगा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा कर रहे हैं। इन दिनों 20 से अधिक मंत्रियों का दौरा जारी है। करीब 300 बीजेपी पदाधिकारी के साथ पूर्व पदाधिकारियों की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगी है और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वाराणसी में वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, पीएम मोदी के लिए विजय मार्जिन को बढ़ाया जा सके। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोमनाथ का मंदिर। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ काशी है। जब काशी बदलती है, काशी की कायाकल्प होती है, तो कायाकल्प उत्तर प्रदेश की होती है, उत्तर प्रदेश से देश की होती है। और यही कहने के लिए आए हैं। मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के हर एक गरीब को, हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएंगे। मुफ्त में 5 लाख की सुविधा उसे प्राप्त होगी। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, बाकी बचे जितने हैं अगले 5 वर्ष के अंदर उन गरीबों के भी एक एक मकान बनेंगे। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी। वो वीवीआईपी सीट जो पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर मानी जाती है और इसी सियासी सेंटर पर 24 का 7वां और आखिरी चरण सेंट्रिक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मोदी के इस विजय रथ को रोकने के लिए दो लड़कों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। यूपी के दो लड़कों की हम बात कर रहे हैं जिनकी नजर मोदी की काशी पर है। इनके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस रथ को रोकने के लिए वाराणसी में जनसभा करने की तैयारी कर रखी है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में दोनों नेता वोट मांगते हुए नजर आएंगे। पूर्वांचल की वो 13 सीटें जिस पर इंडिया गठबंधन की पैनी नजर है। पीएम मोदी के खिलाफ डिंपल यादव और प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव मैदान में उतरने वाले हैं और उन मुद्दों को भी उछालने वाले हैं जो पिछले 6 चरण में विलुप्त रहे। इसके लिए राहुल और अखिलेश की वाराणसी में संयुक्त जनसभा होगी।
काशी में दोनों चुनाव प्रचार करने वाले हैं। 28 मई को काशी में साझा रैली होने वाली है। अजय राय के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीएम मोदी के खिलाफ काशी में जीत का दम भर रहे हैं और निशाने पर पीएम मोदी को ले रहे हैं। हम तो लगातार लगे हैं ना, हमारे कार्यकर्ता देखिए, हमारे दिन रात लोग लगे हैं। हमारे इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सबसे आगे है, जनता लड़ रही है। और वो जो लीड बढ़ाने की बात करके इस बार सबसे बड़ी लीड वो वक्त बताएगा। कह तो रहे हैं कि 14 नहीं रुके, 19 नहीं रुके, 24 में क्यों रुक रहे हो भाई? बनारस में लीड है या फीड हो गया है मामला? ऐसे में अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी काशी के मैदान में उतरकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तैयार करने वाले हैं। पूर्वांचल की जो हवा इस बार है पश्चिम से भी ज्यादा रफ्तार से बह रही है। जो शुरुआत पश्चिम से हुई थी वो आते आते यहाँ पर बलिया, गाजीपुर में किस ऊंचाई तक पहुंचेगी? और मैं ये कह सकता हूं कि जो जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, पहले चरण में जो गुस्सा दिखाई दिया था सरकार के खिलाफ, आज गाजीपुर में आकर के वो साथ में आसमान पे दिखाई दे रहा है। अब भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया। हाल ही में प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में काफी भीड़ आई थी और इस दौरान भगदड़ भी मच गई थी। वहीं अब काशी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा को लेकर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली को विशाल बनाने के लिए पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं, लेकिन चुनौती इस बात की है क्या पीएम मोदी के खिलाफ यूपी के दो लड़के माहौल बना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।